वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की सोशोलॉजी के लघुतर प्रश्न नंबर 11 कराने वाला हूं, जो आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। संघर्ष के स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे संघर्ष के स्वरूपों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मैकाइवर तथा पेज ने संघर्ष के दो स्वरूप बताए हैं। मैकाइवर और पेज ने क्या बताया कि संघर्ष जो है उसके दो स्वरूप हैं या दो प्रकार हैं। किसके? संघर्ष के। फर्स्ट क्या रहा है हमारा? प्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति और समूह समूह के मध्य होने वाला आमने सामने का संघर्ष प्रत्यक्ष संघर्ष ही है। प्रत्यक्ष संघर्ष उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति व्यक्ति के मध्य और समूह समूह के मध्य होने वाला, ठीक है, आमने सामने का संघर्ष क्या है? हमारा प्रत्यक्ष संघर्ष है। सेकंड क्या रहा है हमारा? अप्रत्यक्ष संघर्ष। इसमें दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में न आकर इस प्रकार से कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा तथा शीत युद्ध अप्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण हैं। इन्होंने बताया अप्रत्यक्ष संघर्ष के लिए कि इसमें दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं, ठीक है, संपर्क में ना आकर इस प्रकार से कार्य करते हैं जो विरोधी हैं कि एक दूसरे के हितों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इसके बाद में किंग्सले डेविस के अनुसार संघर्ष के दो स्वरूप बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है आपका आंशिक संघर्ष। तो जब दो पक्षों में उद्देश्यों के संबंध में तो समझौता हो जाए, परंतु उन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों को लेकर समझौता नहीं हो और विवाद प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पाया जाने वाला विरोध आंशिक संघर्ष कहलाता है। आंशिक संघर्ष को किंग्सले डेविस ने कहा कि जब दो पक्षों में उद्देश्यों के संबंध में समझौता हो जाए, ठीक है, परंतु उन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों को लेकर समझौता नहीं हो और विवाद प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पाया जाने वाला विरोध आंशिक संघर्ष कहलाता है। सेकंड हमारा पूर्ण संघर्ष। जब दो पक्षों में ना तो उद्देश्यों के संबंध में और ना ही उन्हें प्राप्त करने के साधनों के संबंध में कोई समझौता हो, तो ऐसी स्थिति में बल प्रयोग ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने का साधन बन जाता है। यह स्थिति पूर्ण संघर्ष की होती है, ठीक है। गिलिंग ने संघर्ष के विविध स्वरूपों में वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, ठीक है, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बताया है। तो यह था आपका क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न था। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।